हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुर्ती वगैरह में जो चुन्नटे डालते हैं वो बताऊंगी, किस जगह पे हमें डालनी चाहिए। कुर्तियाँ बनाते समय कभी कभी हमें चुन्नट डालनी होती है तो समझ में नहीं आता किस जगह पे डालनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो फिटिंग बिगड़ जाता है। तो ये देखिए, ब्लाउज में हम यहाँ 3.5 रखते थे, लेकिन कुर्ती में हमेशा 3 का ही निशान लगाएंगे। मैंने 3 लिया और ऊपर से 11.5, एक निशान थोड़ा नीचे। अब इस निशान को और इस निशान को हम आपस में टच करेंगे। ये देखिए, आपस में टच करेंगे। वैसे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये देखिए, मैंने निशान मिला लिया अपना। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, 6 इंच से ज़्यादा हमारी चुन्नट नहीं भरी जाएगी। ऊपर से उसी पॉइंट पर नीचे हमें निशान लगाना है। दोनों का बीच ये हो जाएगा हमारा। ये देखिए, 1/2 इंच की चुन्नट लेनी है हमें। इस तरीके से जब हम अपने पीस में चुन्नट भरेंगे तो इस तरीके से भरेंगे। ये जो मैंने निशान दिया है इससे इस निशान तक बीच में गहराई देनी है 1/2 इंच की। अगर मुझे आगे की चुन्नटें बगल वाले भी देनी है तो वो देखिए किस तरीके से करनी है। ये पॉइंट मेरा यहीं पर रहेगा और इसी से मुझे ये वाला पॉइंट बनाना है और 2 इंच पर ये वाला, जैसे मैं हमेशा ब्लाउज में बनाती हूँ। ये वाली चुन्नट अगर हमें भरनी है तो निशान लगा लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। अगर ये मुझे भरनी है तो निशान लगा लिया, वरना छोड़ भी सकते हैं। और इसका निशान बगल वाली चुन्नट का मैंने लगा लिया। तो अब मैं इस चुन्नट को, ये दोनों जो चुन्नटें दिख रही हैं आपको, इनको भरना है, क्योंकि जिसकी मुझे भरनी है उसे यही 2 पसंद हैं, ये वाली नहीं भरनी। अगर आपको पसंद है तो आप भर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। फिटिंग बहुत अच्छा आता है इससे भी, और बगल वाली से भी बहुत अच्छा फिटिंग आएगा। तो चुन्नटें आपको समझ में आ गई होंगी, आशा करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।